सतगुरु जी, आप एक बहुत कूल हो, बाइक में घूमते हो, कैप पहनते हो, तो हम भी हिप हॉप करते हैं। हिप हॉप भी एकदम कूल कल्चर है, तो हम दोनों कूल लोग मिलकर आज कुछ करते हैं इस सॉन्ग के लिए। मिट्टी में खजाना नहीं है, बेटी ही खजाना, पीने लायक पानी नहीं है, गंदगी नदी है, ये पानी है भविष्य की जो लड़ना है अभी से। Sir, are you ready to listen to the song we have made on stage for you? Yes, sir. Thank you, sir. So, in a way, Dharavi is like soil, all sorts of people, every kind, all together. तो एक तरह से धारावी भी मिट्टी की तरह है, हर तरह के लोग सब एक साथ हैं। महाराज की बड़ी लगता है मनी कई 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 बड़ी थोड़ा थोड़ा सतगुरु जी नमस्कार आपको। एक बार आवाज कर दो सब लोग सतगुरु जी के लिए। यहाँ पर आए हमारे बीच धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट किया हुआ सीधा 74 कंट्रीज पार करके आ रहे हैं, ऐसे सीधे नहीं आ रहे, तो इसके लिए तो आवाज बनता है सब लोग। एक बार आवाज कर दो जोर से। और सतगुरु जी आपको हमारे धारावी की तरफ से बहुत बड़ा नमस्कार, और आप यहाँ पर आए, आपका प्रेजेंस हुआ, बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग जैसा था सबके लिए। तो सतगुरु जी, आप एक बहुत कूल हो, और आप बाइक में घूमते हो, कैप पहनते हो, तो हम भी हिप हॉप करते हैं। हिप हॉप भी एकदम कूल कल्चर है, तो हम दोनों कूल लोग मिलकर आज कुछ करते हैं इस सॉन्ग के लिए। तैयार हो? आवाज़ कर दो, तैयार हो तो आवाज़ कर दो एक बार। सतगुरु जी, आपका धारावी में बहुत बड़ा स्वागत है, और सब लोग आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर प्रेजेंस हुए। एक बार आवाज कर दो सतगुरु जी के लिए। थैंक यू सो मच सतगुरु जी, आपने साइन किया। तो तुम लोग परफॉर्मेंस देखना चाहते हो जो हमने प्रिपेयर किया आज? सतगुरु सर, आर यू रेडी टू लिसन द सॉन्ग वी हैव मेड ऑन सेफ सॉइल? यस सर। थैंक यू सर। Hey. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. Safe soil. Safe soil. Safe soil. कर्तव्य है हमारा, मिट्टी में खजाना नहीं है, मिट्टी ही खजाना, पीने लायक पानी नहीं है, गंदगी नदी में, ये जंग है भविष्य की जो लड़ना है अभी से। सृष्टि को बचाने का मैं करता हूँ प्रयास, कलम उठाकर कला से मैं करता हूँ प्रचार, इंसानों की नादानी से हुए ये विनाश, इंसानों को ही मिलकर लाना होगा बदलाव।
मिट्टी से रेत ये दुनिया बनती जा रही है। कदमों में आसमान और आसरों पे आस नहीं है। खुद ही से पूछू कैसे होगा यहाँ पे कल मेरा, जवाब देने के लिए मेरे पास जवाब नहीं है। जवाब दारी की आवाज हमें लेनी होगी, जवाब हमें अपनी पीढ़ी को भी देनी होगी। तो क्या जवाब अपने कल को तू देगा ब्रो, अच्छे कल के लिए साथ मेरा देना ब्रो। मिट्टी से बने हम मिट्टी में मिलेंगे सब, मिट्टी से प्यार कर मिट्टी में छुपा है रब। आज से लाइफ पर तो धरती भी बनेगा स्वर्ग, नष्ट करेगा स्वर्ग तो जीना होगा अपना नर। चल युवा लाते रेवोल्यूशन, मिट्टी को बचाने कम करते हैं प्रदूषण। वो ग्रीन और क्लियर अपना विजन, मिट्टी को बचाना यहाँ एक ही अपना मिशन। जरूरी बातें हम जिसका उसका खाते, सरकारी होगी जल्द अगर हम बचा ना पाते। हम होगी आंखें नम जर्रे को तरसे, जब अनाज ना मिलेगा और होगी सांसें बंद। वही मंजिल अगर हुई ये आंखें बंद, माटी के पुतले हम वही बच्चा एक घर, यही एक जरिया अनाज का आबादी का। सभी मतों की भरत सबसे आजादी का। सेफ सॉइल अगर खुद को बचाना है, सेफ सॉइल हमें करके दिखाना है। सेफ सॉइल अगर खुद को बचाना है, सेफ सॉइल हमें करके दिखाना है। सेफ सॉइल अगर खुद को बचाना है, सेफ सॉइल हमें करके दिखाना है। सेफ सॉइल मेरे आने वाले पीढ़ी को मेरा सलाम, मेरा सलाम। जिस जमीन पर खड़े हैं आज उस मिट्टी के हम मंच है, उसी से ही उत्पन्न उसी से ही निर्माण। छोटे से पेड़ काट के इमारतें बनाए, उसी पेड़ों के सहारे हरी श्वास और अन्न। कारी करी है पिकाड़ी हमने ऊपर वाले की, तो बिगड़ी बात बोलो आज हम समेट ले। उस जगह जहाँ पे मिट्टी है प्रदूषित हर इंसान को उसे बचाने का सबसे बड़ा सॉइल ये देश भर में बना एक विषय। जब मिट्टी होगी साफ तब बनेगा भविष्य। सद्गुरु जी के साथ सब एक साथ जुटो, तभी तुम जानोगे इस देश का वो लक्ष्य। फसलों में फसलें हैं, फर्टिलाइजर की कमी है, फसल उगाने यहाँ जमीनें नहीं बची है। वातावरण प्रदूषित है पेड़ कटने की वजह से, इस जगह को जिताने की वजह भी तो हम ही है। मानने का पत्र बुनने का धरती के पत्र बोले क्यों नीचे जब पड़न की डेक बल देगे नारम पेंडे बड़ी बुबंदे भारत ए बड़ा कैपिटल है बड़ी करे तुम तन्ने मानिता कुंज नीति तो पहन से जो मंदिर तक काली बिकल बोलना गुंडा ये मिट्टी की जान तो कैसे होगी फसल, ना होगी फसल होगी कत्ल। आने वाली पीढ़ी तो ध्यान दो, देश बचाओ ध्यान दो क्या। 27,000 मरते हर साल, 60-70 साल फिर देश पर वाह। फिर रोते रहना बैठ के तुम कब्रों पे, तब जाके बात मेरी समझोगे। ये मिट्टी ही खजाना है, ये मिट्टी ही समाना है, ये मिट्टी के बिना ना मिलता हमें खाना। वे नई हुई देर 15-20 साल मेहनत री जनरेशन फिर मिट्टी होगी बेमिसाल। सेव सॉइल अगर खुद को बचाना है, सेव सॉइल हमें करके दिखाना है। सेव सॉइल मेरे आने वाले पीढ़ी को मेरा सलाम, मेरा सलाम। सेव सॉइल अगर खुद को बचाना है, सेव सॉइल हमें करके दिखाना है। सेव सॉइल अगर खुद को बचाना है, सेव सॉइल हमें करके दिखाना है। सेव सॉइल अगर खुद को बचाना है, सेव सॉइल हमें करके दिखाना है। सेव सॉइल मेरे आने वाले पीढ़ी को मेरा सलाम, मेरा सलाम। अभी हम एक चीज करेंगे, सेव बोलूंगा तुम लोगों को सॉइल बोलना है। देखिए मैं 27 देशों की यात्रा कर चुका हूं और लगभग 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सभी मंचों पर लगभग सभी देशों में कलाकारों ने प्रदर्शन किया है। उनमें से कुछ तो बहुत ही पहुंचे हुए कलाकार हैं, बहुत मशहूर कलाकार हैं, पर मुझे ये कहना पड़ेगा आपने वाकई मेरा दिल छू लिया। Let's go.
अरे मुझसे कठिन सवाल मत पूछेगा। मेरा नाम सानिया है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम रैप के जरिए सेफ सॉइल के बारे में बता रहे हैं सबको, तो सबका खुद का ओपिनियन होता है हिप हॉप के लिए, तो आप क्या सोचते हैं हिप हॉप के बारे में? So when it comes to an art form, you can call it what you want. तो जब किसी कला की बात होती है तो आप उसे जो चाहे बुला सकते हैं। आप चाहे तो उसे हिप कहें या हेड कहें, ये आप पर है। पर जरूरी बात ये है, इंसान बहुत सारे तरीकों से अभिव्यक्ति ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान का मन बहुत जटिल है, इंसान के जज्बात बहुत जटिल हैं। इंसान के ख्याल और उसके जज्बात ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, सिर्फ ऐसे या वैसे नहीं होते, ये बहुत जटिल होते हैं। तो इस जटिलता की अभिव्यक्ति ढूंढना, वो जिस भी तरीके से हो अच्छा है, ये इससे अच्छा है या वो इससे अच्छा है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। भारत में शास्त्रीय कलाएं हजारों सालों से विकसित होती आई हैं और लोगों ने इसके विज्ञान में बहुत निवेश किया है। उन्हें खास तरीके से अभिव्यक्त किया जाता है जिसे पवित्र कहते हैं। पर मुझे लगता है कि सभी किस्म की कलाएं अपने आप में पवित्र होती हैं, जब तक कि आपका दिल उसमें लगा हुआ हो। अगर आपका दिल उसमें नहीं लगता, आप सिर्फ दर्शकों के लिए कर रहे हैं, तो ये कला नहीं है, ये एक सर्कस है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मैं जैसे आपने अभी रैप देखा, हम लोग रैप लिखते हैं, तो मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे लिखता हूँ, बहुत सारे इश्यूज पे लिखता हूँ, मेंटल हेल्थ पे लिखता हूँ। बट जब मैं जैसे बात करता हूँ ना, कम्युनिकेट करता हूँ, मैं बता नहीं पाता हूँ, बट जब मैं लिरिक्स लिखता हूँ ना, वो अपने आप ऐसे लगता है कि एनर्जी है पीछे, वो मैं अपने आप लिख देता हूँ, अपने आप म्यूजिक बन जाता है। तो ये मेरी सिर्फ थिंकिंग है क्या, ऐसी कुछ एनर्जी है मेरे आर्ट के पीछे? You already said अपने आप, that means you yourself. आपने पहले ही कह दिया अपने आप, मतलब आप खुद करते हैं, ठीक है? तो दूसरे किस्म की चीजों की कल्पना ना करें, क्योंकि लोग हमेशा कोई सुपर ह्यूमन एनर्जी को ढूंढते रहते हैं कि वो उन्हें मिल जाए। आपको ये समझने की जरूरत है कि सुपर ह्यूमन होना जरूरी नहीं है, ह्यूमन होना सुपर है और ये जरूरी है। क्योंकि इस सृष्टि में कीड़े हैं, मकौड़े हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं,
छोटे जानवर, बड़े जानवर, समुद्र में बहुत बड़े जानवर हैं, इन सब में से विकास की प्रक्रिया में इंसान इस विकास के चरम पर है, हम सबसे ऊपर हैं, पर बदकिस्मती से अभी भी हमने जानवरों जैसा बर्ताव करना छोड़ा नहीं है, और इसकी वजह से हमारी बुद्धि ही हमारे लिए एक समस्या बन गई है। सबसे तेज बुद्धि, सबसे ज्यादा योग्यता और सबसे ज्यादा जागरूक रहने की क्षमता, अभी हम सिर्फ अपनी बुद्धि और योग्यता का उपयोग कर रहे हैं, पर हम अपनी जागरूकता का उपयोग नहीं कर रहे। जब तक हम अपनी जागरूकता का इस्तेमाल नहीं करते, तब तक हमारी खुद की क्षमताएं हमारे खिलाफ काम करेंगी। मिट्टी बचाओ अभियान बस इसीलिए है कि हमारी बुद्धि, हमारी योग्यता ही हमारे जीवन के आधार को नुकसान पहुंचा रही है। ये एक पंचतंत्र की कहानी जैसा है जो शायद आपने सुनी होगी, जिसमें एक आदमी टहनी के गलत तरफ पर बैठकर उसे काटने लगता है। जब वो सफल होगा तब वो गिर जाएगा। यही आज की दुनिया है। जब हम कामयाब होंगे तब हम गिर जाएंगे। ये हमारी बुद्धि का उपयोग करने का सही तरीका नहीं है। हमारी बुद्धि एक समाधान होनी चाहिए, न कि एक समस्या। इसीलिए मिट्टी बचाओ अभियान कॉन्शियस प्लैनेट का एक हिस्सा है, क्योंकि जब तक इंसान जागरूक नहीं बनेंगे, हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता, सब कुछ जो हमारे पास है, जीवन के विरुद्ध काम करेगा। अभी बस यही हो रहा है। मिट्टी जैसी अभी बन चुकी है, वो वैसी किसी शैतानी शक्ति के कारण नहीं हो गई, ये हमने किया है। हम में से हर कोई इस बर्बादी का भागीदार रहा है। हम सभी को इसके समाधान में भी भागीदार होना चाहिए। यही आगे बढ़ने का तरीका है। थैंक यू सो मच। वणक्कम सर। तमिलनाडु है धारावी में हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो हमारा मेरा ये क्वेश्चन था कि आपको धारावी कैसा लगा और यहाँ के लोग कैसे लगे हैं? मुझे तो ये कॉकटेल जैसा दिखता है। मैं पीने वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे बस लोगों के अनुभव से पता है। जब बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला दें तो वो थोड़ी पंची हो जाती है। तो इतने सारे अलग अलग लोगों को एक छोटी सी जगह में देखना बहुत अद्भुत लगा। ये शायद देश की गरीबी का नतीजा हो सकता है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी हमें क्या देती है, क्योंकि जिंदगी जो हमें देती है वो हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, पर हम उससे क्या बनाते हैं ये हमारे हाथ में होता है। तो ये वाकई अद्भुत है कि आप सभी जवान लोग यहाँ धारावी में हैं, और आप सब लोग जो कर रहे हैं, वो भी जो भी स्ट्रीट आर्ट, ग्राफिटी से लेकर हिप हॉप और ये लड़कियों का क्लासिकल डांस जो कर रही हैं, हर किस्म की चीजें और सभी तरह के लोग, ये जरूरी है, क्योंकि हम लगातार इस दुनिया में मतभेद देख रहे हैं। ओ आप आदमी हैं, आप औरत हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप भारतीय हैं, आप पाकिस्तानी, आप ये हैं, वो हैं, कभी ना खत्म होने वाले बंटवारे। ये जरूरी है कि हम हमारे बीच में एक समान चीजों को देखें। मिट्टी एक समान चीज है, हम सभी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, किसमें विश्वास रखते हैं, हम सभी इस मिट्टी से आते हैं, इसी का खाते हैं, यहीं पनपते हैं, और जब हम मरते हैं हम वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हमें अभी इसका एहसास होता है, या जब हमें दफना दिया जाएगा तब इसका एहसास होगा कि हम सब एक ही मिट्टी से हैं। तो एक तरह से धारावी मिट्टी की तरह है, सभी तरह के लोग, हर किस्म के, सब साथ में हैं। अद्भुत है। तो मुझे पूछना था कि एक अमेरिकन रैपर है जे कोल, आपको पता होगा। जे कोल, जे कोल, जर्मन लैमर कोल, जो अमेरिकन रैपर है और हिप हॉप आर्टिस्ट है, वो तो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। तो मुझे पूछना था कि आपका जो सेफ सॉल का जो कैंपेन चलता है वो वर्ल्ड वाइड चलता है, तो हम लोग उनको फॉलो करते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा रैपर है। तो मुझे पूछना था, उन्होंने ना एक बार इंस्टाग्राम पे आपका पोस्ट डाला हुआ था, तो सेफ सॉल का पूरा कैंपेन था, वो उन्होंने बहुत सारा जो लिखा हुआ था, तो आप उनको बस पूछना था कि आप पर्सनली जानते हो उनको? छोटा सा क्वेश्चन है बस पूछना। मैं कैलिफोर्निया में बहुत सारे हिप हॉप कलाकारों से मिला हूँ। मुझे नहीं पता कि इस शख्स से मैं मिला था या नहीं, क्योंकि जब तक मैं वहाँ था और महीना भर उन म्यूजिशियन से मिला, मैंने उनके नाम नहीं सुने थे, ना ही मैंने उनके संगीत सुने थे। तो मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं हाँ, लेकिन अगर मैं उनसे मिला तो मैं उनसे कहूँगा जरूर कि वो यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं।
अब जब मैं मोटरसाइकिल के साथ शुरुआत कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा रैप, हिप हॉप और क्लासिकल डांस म्यूजिक और सब कुछ चाहिए होगा। क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं? चलिए ये करते हैं। मैं मोटरसाइकिल यहाँ लाना चाहता था पर वो बोले नहीं नहीं नहीं। Okay, one last question. It's a little serious. What advice can you give Gen Z to feel more connected to our Indian culture? जेन जी मत कहिए क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है ये आखिरी पीढ़ी है। जी आखिरी अक्षर होता है। बच्चा, what advice ये लोग कौन है? जेन जी? ए, ये लोग कौन है? ओके, फोटो आप ओवर। फोटो खींच लिया। ए, रॉन्ग साइड मैन। अरे उल्टा पकड़ा है भाई। Save soil. Save. 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 Good. So what is? तो मेरी Gen Z के लिए क्या सलाह है? आपको क्या लगता है मेरी कौन सी पीढ़ी है? A, B, C, what? C क्या लगता है? I don't want to jump to any conclusions. Well, तो मेरी सलाह ये है कि किसी से भी सलाह ना लें पर सभी को सुने। सभी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा कुछ कहे, कोई छोटा कुछ कहे। अगर एक चींटी भी कहे तो आप जरूर सुनिए पर आपको उसे अपनाने की जरूरत नहीं है। आपको सुनना चाहिए, ये जिंदगी है। आप जितना जी सकते हैं उतना जिएं क्योंकि आपका जीवन इसलिए खूबसूरत नहीं बनता क्योंकि आपने एक नारा या सलाह या कुछ ऐसा चुन लिया है। आपका जीवन खूबसूरत बनेगा अगर आप कोई भी चीज या हर कोई चीज पर ध्यान देने के तरीके को विकसित कर सकें। ओह, ये जरूरी है तो मैं इस पर ध्यान दूंगी, ये जरूरी नहीं है तो मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगी। ऐसे नहीं, आपका ध्यान ध्यान धूप की तरह है। जब वो हो तो सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक है? आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए, आपको हर चीज के प्रति सचेत होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई ज्ञानी बोल रहा है या कोई मूर्ख बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो आप ये तय नहीं करते कि कौन ज्ञानी है और कौन मूर्ख। आप बस ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान देंगे तो जीवन अपने आप ज्यादा मात्रा में समाएगा। जब आप जीवन से भरपूर होंगे तो आपके बारे में सब कुछ खूबसूरत होगा। मुझे बताना होगा जब आप कितने साल की हैं? I'm 18. नहीं नहीं, ये अच्छा है। मैं आपको बताने वाला था कि एक रूल के तौर पर मैंने ये रूल बनाया था क्योंकि मेरी बेटी जो यहाँ है वो हर समय मेरे साथ घूमती रहती थी। जब मैं घूम रहा था रोज हम एक नए घर में होते थे और बड़े लोगों के साथ एक मुश्किल है। सभी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, कोई मूर्खता भरी सलाह देना चाहता है जो उनके जीवन में कभी काम नहीं आई है, ठीक है? तो मैंने सबसे कह दिया उसे कोई कुछ नहीं सिखाएगा। 1 2 3 मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके पास कितनी उंगलियां हैं। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसे इसका इस्तेमाल करना आता है। चाहे वो सोचे कि 1 लाख है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? आप इसे 10 कहें या 1 लाख कहें, क्या फर्क पड़ता है? आप इसे इस्तेमाल करना जानते हैं, बस यही काफी है। तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब? मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैरी के पास मेमना था या नहीं। तो कोई शिक्षा नहीं, क्योंकि कोई शिक्षा नहीं थी। वो हर चीज के प्रति ध्यान देने लगी जब तक वो 18 महीने की हुई। 18 महीने, साल नहीं, आप 18 की हैं, पर 18 महीने में वो 3 भाषाएं आराम से बोलने लगी थी क्योंकि कोई उसे कुछ नहीं सिखा रहा था, ना ABC ना 1 2 3। तो वो ऐसे ही बिना किसी शिक्षा के बड़ी हुई। फिर वो 13 साल के आसपास की थी। वो एक दिन घर आई और किसी चीज को लेकर थोड़ी उलझन में थी। उन्होंने कहा आप मुझे कुछ नहीं सिखाते, सभी को इतना कुछ सिखाते हैं। मैंने कहा बैठो, अब जब आप आ गई हैं, मैंने कहा आपको बस इतना जानने की जरूरत है किसी को ऊंचा ना देखें। उन्होंने मेरी तरफ देखा और आप खास तौर पर मुझे, अगर आप मुझे ऊंचा देखेंगी तो सब कुछ चूक जाएंगी। मुझे वैसे ही देखो जैसा मैं हूं, मुझे ऊंचा मत देखो। Never look down on anybody. किसी को नीचा मत देखो, बस यही करना है। किसी को ऊंचा मत देखो, किसी को नीचा मत देखो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है, या कुछ जरूरी है या कुछ जरूरी नहीं है। मिट्टी के साथ यही हुआ है। सबने सोचा कि ये जरूरी नहीं है, पर हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर मिट्टी बर्बाद हो गई। तो इसका फैसला न करें कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, क्या ऊंचा है क्या नीचा है। हर चीज पर ध्यान दें जिसने हमें बनाया है, जिसने भी चींटी को बनाया है और आपको बनाया है।
आपको बहुत अच्छे से बनाया गया है, और जिसने भी चींटी को बनाया है also, paid you... अगर आप उस पर ध्यान से देखें, उस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है जितना आप पर दिया गया है ना? तो जब सृष्टा ऐसा है तो आप कौन होते हैं कि ये तय करने वाले कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, क्या ऊंचा है क्या नीचा है? आप हर चीज पर, हर किसी पर ध्यान दीजिए समान तरीके से, आपका जीवन शानदार होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Also had a question. Sorry, it will end. You've traveled all over the world. You've met thousands of people, I'm sure, all from varying backgrounds. I wanted to ask, what was your main takeaway, or what small lesson can you give? What has been your greatest learning from all of the people you've met? Takeaway क्या है? निष्कर्ष क्या है? यही तो problem है. यही तो problem है कि निष्कर्ष क्या है? जीवन में कोई निष्कर्ष नहीं होता। आपको एक शव यात्रा में जाना चाहिए। मुंबई में बहुत सारी शव यात्राएं हो रही होंगी, आप शव यात्रा में जाइए, मरे हुए लोग वो क्या लेकर जा रहे हैं? हेलो, टेकिंग अवे समथिंग, हां, द कंटेनर सर्विस। क्या वो सूटकेस में कुछ ले जा रहे हैं? नो, जीवन में कोई निष्कर्ष नहीं होता। इस पल से आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आप इस पल को जितना मुमकिन हो सके उतना भरपूर तरीके से और जितनी जिंदा दिली के साथ हो सके जिएं, जितने शानदार तरीके से जी सकते हैं जिएं, बस यही सब कुछ है। कोई निष्कर्ष नहीं है। आप अपने आप को हर पल में कितना शानदार बना सकते हैं, बस यही आपके हाथ में है। कोई निष्कर्ष नहीं होता। कभी कभार, कम से कम महीने में एक बार आप शव यात्रा में जाइए और देखिए क्या वो साथ में कुछ ले जा रहे हैं। कोई साथ में कुछ नहीं ले जा रहा, कोई निष्कर्ष नहीं है। तो आपको ये जरूर समझना चाहिए, आपकी जिंदगी में आप एक शानदार लड़की हैं और आपके साथ शायद बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कुछ बहुत अच्छी चीजें जरूर होंगी, कुछ खराब चीजें होंगी। आपके साथ जो भी हो, कभी भी अपने अनोखेपन को मत छोड़िएगा। आप अभी जितनी अनोखी हैं, आपको वैसे ही रहना चाहिए। अगर मैं आपसे 85 की उम्र में आकर मिलूं, तब भी आप ऐसे ही हंसते रहिएगा, ठीक है? Hello, चाहे जो हो जाए। Thank you. Thank you very much, all of you.